नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब न्यूज़ 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन के साथ तलाक ले लिया है। आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा क्या हो गया कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी को तलाक लेना पड़ा। और दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको 100 रुपये गिफ्ट में मिलने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको 100 रुपये चाहिए तुरंत। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर बाई 1211। 1211 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ड्रीम 11 और जितनी फैंटेसी एप्लीकेशन है वहां से बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम है और आप आसानी से टीम बनाकर पैसा कमा सकते हो और आपकी टीम बहुत आसानी से विन कर जाएगी। और भी वहां पे आपको बहुत सारे गेम खेलने के लिए मिल जाएंगे जिनको खेलकर आप पैसा भी कमा सकते हो। और तो और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड भी करते हो ना, डाउनलोड करने के बाद आपको 100 रुपये तो तुरंत मिल जाएंगे। 100 रुपये आपको जब मिलेंगे, जब नीचे दिया गया रेफर लिंक से आप डाउनलोड करते हो और रेफर कोड को यूज़ करते हो जो नीचे दिया गया है, तो आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो 100%। और तो और दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को अगर अपने मित्रों के पास शेयर करते हो तो आपको 11 लेवल तक इनकम होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको किसी फैंटेसी एप्लीकेशन में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। और आपको कोई भी डाउट है और आपको सपोर्ट चाहिए यानी कि मदद चाहिए, तो इनका टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इनका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकती हो और आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैं आपको बता दूं, शिखर धवन भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं जो कि ओपनिंग करते हैं। शिखर धवन ने भारत की ओर से पहला मुकाबला 4 जून 2011 को खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तब से लेकर आज तक भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिखर धवन। दोस्तों, शिखर धवन ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपको पता होगा श्रीलंका दौरे पर कितना कोहराम मचाया था और सीरीज को भी जीता था भारतीय टीम ने। और पिछले साल खेले गए आईपीएल में तो शिखर धवन ने एक के बाद एक यानी कि लगातार 2 मैचों में 2 सेंचुरी जड़ डाली थी। दोस्तों, शिखर धवन की पत्नी का नाम है आयशा। आयशा मुखर्जी ने तलाक लेने का अनाउंसमेंट किया था। दरअसल मैं आपको बता दूं, आयशा मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में लिखा कि मुझे लगता था कि तलाक एक गंदा शब्द है, जब तक कि मैं 2 बार तलाकशुदा नहीं बन गई। इसका मतलब यह है कि उन्होंने तलाक ले लिया है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आयशा ने लिखा कि मुझे गलत लग रहा है कि मैं अपने माता पिता को दुखी कर रही हूँ और बच्चों का दिल दुखा रही हूँ, और इन सबसे ज्यादा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भगवान को भी दुखी कर रही हूँ। और अब आयशा मुखर्जी ने आगे लिखा, तो अब आप कल्पना कीजिए, मुझे इससे दूसरी बार गुजरना ही पड़ेगा। और ये पोस्ट जैसे ही डाली आयशा मुखर्जी ने, उसके बाद ये पोस्ट वायरल हो गई और सभी ने अंदाजा लगाना स्टार्ट कर दिया कि आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन से तलाक ले लिया है। मगर दोस्तों, अभी तक शिखर धवन ने इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है मीडिया में आके। शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से 2014 में शादी की थी, जो कि 8 साल बड़ी हैं शिखर धवन से। शिखर धवन आयशा मुखर्जी ने साल 2012 में शादी की थी और पहली 2 बेटियां थी। एक पति को तलाक दे चुकी थी पहले ही आयशा मुखर्जी, उसके बाद शिखर धवन से शादी कर ली 2012 में, और 2014 में एक बेटा हुआ जिसका नाम शिखर धवन ने जोरावर रखा। मगर दोस्तों, अब इनकी कहानी का अंत होता हुआ हमें नजर आ सकता है, मगर इसके बारे में अभी शिखर धवन ने कुछ नहीं कहा है। आपको इंतजार करना होगा शिखर धवन के स्पष्टीकरण का। और दोस्तों, हाँ, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई 100 रुपये कमाने हैं ना, तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए 1211 को, रेफर कोड डालिए, आपको 100 रुपये तुरंत मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूट्यूब न्यूज 24।